ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुचरत् पश्येम शरदाशतं जीवेम शरदाशतं शृणुयाम शरदाशतं प्रभ्रमाम शरदाशतमदीनः श्याम शरदाशतं भूयश्च शरदाशतात् ॐ शांति शांति शांति। प्रियवरो, हम अपने पिछले प्रवचन में आपको दीर्घ जीवन का रहस्य बता रहे थे। दीर्घ जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है पवित्रता, और संसार में सबसे अधिक पवित्र परमात्मा है, क्लेश कर्म विपाक आश्रय अप्रमिष्टा पुरुष विशेष। ऋषि पतंजलि ने उसी को ही पुरुष कहा गया है। इस सारे संसार, इस पुरी का वह स्वामी है। परमात्मा उसी व्यक्ति की प्रार्थना को पूर्ण करते हैं जो उसके समान पवित्र हो जाते हैं। परमात्मा से प्यार करने की भी यही विधि है कि हम उसके गुणों को धारण करते हुए उसके मित्र बन जाएं। मैत्री तभी होती है जब समान गुण होते हैं, जब हमारे और हमारे सामने वाले के विचार मिलते हैं तब मैत्री होती है, दोस्ती होती है। तो भगवान पवित्र रहने वाले हैं, हम पवित्र बने। भगवान सब कार्य नियम से करते हैं, संसार को नियम से चलाते हैं, हम भी अपनी दिनचर्या में नियमों का ध्यान रखें। भगवान पक्षपात नहीं करते, हम पक्षपात से बचें। भगवान सब पर दया करते हैं, हम दयालु बने। परंतु यदि हमारे द्वारा भी परमात्मा की आज्ञाओं की अवहेलना हो तो स्वयं अपने आप को दंडित करें, प्रायश्चित करें। और वैसे ही पाप होने पर, नियमों के तोड़ने पर दूसरों को भी प्रायश्चित करवाएं, दंडित करें, जिससे हमारे साथ हमारा परिवार, हमारा समाज भी पवित्र बना रहे। परमात्मा तीनों कालों में रहते हैं, इसलिए मंत्र में यह रहस्य बताया गया है। तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुचरत् पश्येम शरदाशतम्। वो पहले थे, अब हैं और आगे भी रहेंगे। उससे बड़ा हमारा रक्षक और कोई नहीं है जो सदा साथ रहता हो। और जब हम ऐसा सोचना प्रारंभ करेंगे कि परमात्मा हमारे साथ हैं, तो निश्चित रूप से हम बुराइयों से अलग हो जाएंगे। हम प्रायः बुराई इसलिए करते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, अथवा इसलिए कर देते हैं कि हमें उसका फल नहीं मिलेगा, अथवा यह व्यक्ति जानता ही नहीं है हम बुरा कर रहे हैं कि नहीं। परंतु परमात्मा सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ हैं, वे सब कुछ जानते हैं। जो हम बाहर से ना करके भीतर से विचारते हैं उस बात को भी भगवान जानते हैं। इसलिए दीर्घ आयु के लिए आवश्यक है जहां हम बाहर की इंद्रियों से पवित्र कर्म करें, वहां अपने मन में भी सदा पवित्र भावनाएं बनाएं, बुरे विचारों को हटाएं और अपने मन को सदा श्रेष्ठ विचारों से युक्त रहें। कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य करते रहें, कभी खाली ना रहें, जिससे कि बुरे विचार को भीतर आने का अवकाश ही ना मिले। भगवान कभी सोता नहीं, क्योंकि वो थकता नहीं है। इसलिए जब हम सोते समय भगवान से प्रार्थना करते हैं तो ये प्रार्थना करते हैं, अग्ने त्वं सुजाग्रीहि वयं सुमन्दिषीमहि निहोता सत्सिबरीषि। हे प्रभु, हम सोने जा रहे हैं पर आप सदा जागते रहते हैं, हमारी रक्षा करो। इसलिए ध्यान में रखिए, हमारे माता पिता सो चुके हैं, हमारे आचार्य सो चुके हैं,
तब हम ऐसा सोचकर गलती कर देते हैं, पाप कर देते हैं कि कौन देखता है। पर सदा स्मरण रखो, भगवान कभी सोते नहीं है, हर समय देखते हैं। तच्चक्षुर, उसकी आंख से कोई नहीं बच सकता। सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्रा, परमात्मा अन्यत्र भी कहते हैं कि मैं असंख्य आंखों से सबको देखता रहता हूं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो मेरी दृष्टि से बच सके। ध्यान रखिए, इसलिए आस्तिकता, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, यह दीर्घ आयु का सबसे बड़ा रहस्य है। आइए मंत्र में आगे क्या लिखा है उस पर विचार करते हैं। जीवेम श्रद्धा शतम, हे परमात्मा देव, हम सदा 100 वर्ष तक जीते रहें। नहीं, मंत्र में सर्वप्रथम जीवेम श्रद्धा शतम की बात नहीं आई है। जीवेम से पहले मंत्र में कहा गया है पश्येम श्रद्धा शतम। पहले पश्येम आया है, तत्पश्चात जीवेम आया है। जरा विचार कीजिए, पहले व्यक्ति देखेगा या पहले जिएगा? वही व्यक्ति देख सकता है जो जीवित हो, जो जीवित नहीं वो देख कैसे सकता है? तो एक विचार उठता है, एक ज्ञापक प्रकट होता है इस मंत्र से कि क्या कारण है कि इस मंत्र में जीने से पहले, अर्थात जीने की कामना से भी पहले देखने की बात क्यों कही गई है? क्यों नहीं यह मंत्र जीवेम से शुरू हुआ? बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। इन रहस्यों को जानने के लिए हमारे समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद के वेद भाष्य को पढ़ें, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका को पढ़ें। अपने इस परम धर्म को जानने के लिए और ज्ञान के सागर में डुबकी लगाने के लिए समीपस्थ आर्य समाज के साथ अपना संबंध जोड़ें। वहां हर रविवार वेद मंत्रों का पाठ होता है, विद्वानों द्वारा वेद मंत्रों की सुंदर व्याख्या की जाती है। जीवन को दीर्घजीवी बनाने के लिए यज्ञ होता है, सुंदर भजन होते हैं, मानवता का संदेश दिया जाता है। धरती पर हमारे विचार में एक ही ऐसी संस्था है जो परमपिता परमात्मा की कल्याणी वाणी वेद का प्रचार प्रसार करती है, वेद वाणी का प्रचार, और वेद को ही परम धर्म मानती है। आर्य समाज कोई धर्म नहीं है सज्जनों, आर्य समाज एक संस्था है, आर्य समाज एक आंदोलन है जिसका उद्देश्य है मानव मात्र को प्रभु की वाणी वेद का संदेश सुनाना, मानव मात्र को प्रभु की वाणी वेद के अनुसार चलाकर धर्म अर्थ काम के द्वारा मोक्ष को प्राप्त करवाना। तो हम आपको बता रहे थे कि इस मंत्र में पहले पश्येम है, फिर जीवेम है। क्या कारण है पहले जीवेम क्यों नहीं है, इसका रहस्य हम आपको समझाते हैं। जीने वाला व्यक्ति मात्र 100 वर्ष तक देख नहीं सकता। जीने की कामना तो बहुत करते हैं पर देख नहीं पाते। ध्यान रखना, 100 वर्ष तक जिएगा कौन? मात्र प्रार्थना करने से, कामना करने से जीवन नहीं मिलता, आचरण से मिलता है, व्यवहार से मिलता है। इसलिए इस मंत्र में प्रथम पश्येम की बात कही गई है। और जीने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति, यदि तू 100 वर्ष तक जीना चाहता है तो भगवान को पहले 100 वर्ष तक देखने की इच्छा रख। यदि तू भगवान को, भगवान के सिद्धांतों को 100 वर्ष तक देखने की इच्छा रखेगा तो निश्चित 100 वर्ष तक जिएगा भी। मात्र जीने की इच्छा रखकर तू 100 वर्ष जी नहीं सकता। यही रहस्य इस मंत्र में छिपा हुआ है। अर्थात यदि हम दीर्घ आयु को चाहते हैं, निरोग काया को चाहते हैं, तो हम प्रभु को देखना सीखें। प्रभु
का विचार करें, हर क्षण हर पल ये ध्यान में रखें कि प्रभु हमें देख रहे हैं, और मात्र देख नहीं रहे, जैसा हम कर्म करते हैं उसके अनुसार वे फल भी देते हैं। न किल विषमत्र न आधारो अस्ति न मित्र ही सन्मानेति, भगवान स्वयं अपनी वाणी अथर्ववेद में कहते हैं कि मैं जैसा कोई कर्म करता है वैसा ही फल देता हूं, किए हुए कर्म का फल कभी टलता नहीं है। कोई आपका बहुत बड़ा योगी तपस्वी मित्र आपको बचा नहीं सकता, कोई बहुत बड़ी सिफारिश चढ़ावा, कोई बहुत बड़ा यज्ञ भी आपको उसके फल से बचा नहीं सकता। और एक बात और ध्यान में रखना, आपने कोई कर्म कुछ वर्षों पूर्व किया होगा परंतु अब तक आपको उसका फल नहीं मिला, तो यह मत सोच लेना कि फल मिलेगा नहीं, कि भगवान भूल गया है, वो तो अब ठंडे बस्ते में चला गया। जैसे आजकल के बहुत से अच्छे अच्छे कार्य, अच्छे अच्छे निर्णय पक्षपात के कारण सरकारी ठंडे बस्ते में चले जाते हैं, नहीं, भगवान न्यायकारी है। और यही बात गीता में योगेश्वर कृष्ण कहते हैं, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अर्थात जो जैसा करेगा अवश्य फल पाएगा, बच नहीं सकता। तो हमें भगवान को देखते हुए सदा शुभ कर्म करने। एक शंका यहां उत्पन्न होती है, आप भी सोचते होंगे कि आर्यजन सत्य सनातन वैदिक धर्म पर विश्वास करने वाले लोग ईश्वर के साकार रूप को मानते नहीं, और जब साकार रूप को ये मानते नहीं तो उस भगवान को देखने की चर्चा क्यों करते हैं। हां, ये शंका बहुत अच्छी है, अवश्य आपको इसका समाधान जानना चाहिए। देखिए, देखना शब्द केवल आंखों से देखने के लिए प्रयोग नहीं होता, यह दृश्य धातु ऐसे स्थान पर भी प्रयोग होती है जहां देखने का विषय ना होकर अनुभव करने का विषय हो। पहले तो मैं आपकी ही भाषा में समझा देता हूं, प्रायः आप कई बार कहते हैं देखो यह बड़ा मीठा है, क्या मिठास दिखाई देती है? बिल्कुल नहीं। देखो यह बड़ा सुरीला बोलता है, क्या आपको सुरीलापन दिखाई दिया? देखो यह बड़ी अच्छी सुगंध है, क्या सुगंध दिखाई देती है? देखो यह बड़ा गर्म है, क्या आपको गर्मी दिखाई देती है? नहीं, गर्मी त्वचा का विषय है, फिर आपने देखना क्यों कहा? सुगंध नासिका का विषय है, फिर देखना क्यों कहा? विचार कीजिएगा। और अच्छा संगीत कान का विषय है, फिर देखना क्यों कहा? यहां देखने का अभिप्राय है अनुभव करना। इसलिए ऋषि पाणिनि कहते हैं अष्टाध्यायी में दृश्य अनालोचने के, दृश्य धातु ना देखने में भी प्रयुक्त होती है। अर्थात यहां जब हम आपको यह कहते हैं कि भगवान को देखो, तो उसका अर्थ यह है कि भगवान का अनुभव करो कि भगवान है, आपके भीतर है, आपके बाहर है। तो मंत्र का अर्थ इस प्रकार होगा, पशेम श्रद्धा शतम, हम 100 वर्ष तक ईश्वर का अनुभव करें। यदि हम 100 वर्ष तक ईश्वर का अनुभव करते हुए कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से जीवेम श्रद्धा शतम, हम 100 वर्ष तक जिएंगे। और कैसे जिएंगे? आनंद पूर्वक निरोग रहकर जिएंगे। और तुम जीते हुए भी उस परमात्मा को ना भूलो, क्या उपाय है उसका? उसका सबसे अच्छा उपाय है कि भगवान की वाणी को सुनते रहो। भगवान की वाणी को जब आप सुनेंगे, जब वेद ऋचाओं को आप सुनेंगे, सत्य सनातन वैदिक निराकार कण कण में विद्यमान उस भगवान के स्वरूप को जब आप सुनेंगे, तब आपके भीतर भगवान के प्रति श्रद्धा पैदा होगी, संस्कार उत्पन्न होगा, विश्वास पैदा होगा, और वह विश्वास, वह आस्तिकता आपको पाप की ओर जाने नहीं देगी।
और यही है वास्तविक धार्मिक जीवन, और इसी का नाम है सत्संग। ध्यान रखिएगा, मात्र सुनने से सत्संग नहीं होता, बैठ जाने से सत्संग नहीं होता, बोलने से सत्संग नहीं होता, गीत गा लेने से सत्संग नहीं होता, कुछ दोहरा लेने से सत्संग नहीं होता। सत्संग तब होता है जब सुंदर उस प्रभु का विचार, उस वैदिक विचार को हम अपने मन का विषय बना लेते हैं, संस्कार बना लेते हैं, तब होता है सत्संग, जब हम उसके साथ जुड़ जाते हैं। और यही कहता है शब्द सत्संग, सत संग, सत का, श्रेष्ठ का संग करो, उसके साथ जुड़ जाओ, जो सच्चाई है उसके साथ जुड़ जाओ, जो बुराई है उसको छोड़ दो। और वो तभी संभव है जब हम अच्छे श्रोता बनते हैं। इसलिए वेद मंत्र में आगे कहा गया, श्रुण्याम श्रद्धा शतम्। यदि आप भगवान के इस नगरी में, इस संसार में 100 वर्ष तक जीना चाहते हो तो सदा सुनते रहना, सदा ही अपने कानों के द्वारा प्रभु की वाणी सुनते रहना, प्रभु के रहस्य को जानते रहना। इसलिए वेद को श्रुति भी कहा गया है, हम उसे सुने। और सबसे अच्छी सुनने की अगर कोई चीज है दुनिया में तो प्रभु की वाणी।